أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والصلاة والسلام والتحية والإكرام سيدنا ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صلوات على محمد وعلى محمد अज़ीज़ गिरामी सामईन मोहतरम अज़ादारान सैयद शुहदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुसूसियात इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मौज़ू पर गुफ्तगू करनी है। इससे पहले के इमाम की ख़ुसूसियात को बयान किया जाए, आज उनकी पहली मजलिस है, तमहीदी गुफ्तगू आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। एक जो इमाम वक्त के हवाले से बुनियादी चीज़ है, पहले उसकी शनासाई हो जाए, उसके बाद खसूसियात खुद बखुद समझ में आ जाएगी। पहले तबरुकन इस आयत का तर्जुमा आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। बहुत ही मारूफ आयत है कुरान मजीद की कि जिसमें खालिक कायनात अल्लाह तबारक व तआला ये इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान लाने वालों अल्लाह से डरो, अल्लाह का तक़वा अख्तियार करो, वकूनू मअस्सादिक़ीन और सच्चों के साथ हो जाओ। देखिए इस आयत में अगर गौर किया जाए तो परवरदिगार पहले ईमान लाने वालों को खिताब कर रहा है कि ऐ ईमान लाने वालों, कि जो ईमान ला चुके हैं उसके बाद कह रहा है कि इत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मअस्सादिक़ीन। तो पहला मरहला है ईमान लाना, दूसरा मरहला है अल्लाह से डरना। सिर्फ ईमान लाना काफ़ी नहीं है, अल्लाह का तक़वा भी इख्तियार करना होगा, अल्लाह से डरना भी होगा, जो चीज़ें खुदा ने कही हैं उस पर अमल भी करना होगा, मुतीअ परवरदिगार बनना होगा। जब ये दोनों चीज़ें एक साथ आ जाएंगी, ईमान भी आ जाएगा, ईमान के साथ तक़वा भी आ जाएगा, तो उसके बाद खुदा कह रहा है वकूनू मअस्सादिक़ीन, उसके बाद तुम्हें वो सलाहियत पैदा हो जाएगी कि तुम सच्चों के साथ हो सकते हो। तफासिर की तरफ जब देखा गया तो तफासिर में सादिक़ीन से मुराद आइमा अलैहिस्सलाम की ज़वाते मुक़द्दसा, और इस आयत को जो इंतखाब किया गया
वो इस वजह से किया गया। वैसे तो तमाम आइम्मा हमारे सादिकीन हैं, सच्चे हैं, क्योंकि हम इमाम वक्त के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, गैबत का ज़माना है। तो गैबत के ज़माने में एक फ़र्द आले मोहम्मद से मौजूद है और वह इमाम ज़माना की ज़ात है। तो आजकल के दौर में हमें इमाम ज़माना के साथ होना है। इमाम तो हमें नज़र नहीं आ रहे, इमाम के साथ कैसे होंगे? इमाम तो पर्दा गैबत में है। तो दरगिरानी इंशाल्लाह आने वाली गुफ्तगू में बयान किया जाएगा। आज सिर्फ इमाम की मारिफत के हवाले से बात करूँगा और आपकी ज़हमतें तमाम कर दूँगा। मारिफत आप सुनते रहते हैं खतीब से, खुतबा से, उलमा से, ज़ाकिरीन से कि मारिफत हासिल करो, इमाम की मारिफत होनी चाहिए। ये कोई तकिया कलाम नहीं है खतीब का या ज़ाकिर का कि जो कहते हैं कि इमाम की मारिफत हासिल करो। ये हकीकतन एक चीज़ है कि जो बुनियादी चीज़ है इमाम शनासी के लिए। जब तक इमाम को पहचानेंगे नहीं तो इमाम के जो खसूसियात हैं, इमाम के जो कमालात हैं, इमाम की जो वो चीज़ें जो खुदा ने इमाम को अता की हैं, वो कमालात जो खुदा ने इमाम को दिए हैं, वो कैसे समझ में आएंगे? पहले मारिफत होनी चाहिए इमाम की। और मारिफत का दर्जा क्या होना चाहिए, मारिफत कैसी होनी चाहिए, इस पर भी बहस होती है। आया ऐसी मारिफत चाहिए जो मारिफत शिम्र को थी। शिम्र मौला कायनात को बहुत अच्छे तरीके से जानता था। जंग सिफीन में मौला के रकाब में जख्म खाए उसने, ये वही शिम्र है। लेकिन आखिरत इसकी क्या हुई? करबला में फर्जंद जहरा पर खंजर चलाने वाला यही शिम्र था। ऐसी मारिफत चाहिए हमें, ऐसी मारिफत नहीं चाहिए। इब्ने मुल्जिम की मिसाल आप ले लीजिए। इब्ने मुल्जिम मौला की बैअत करने आगे आगे था। मौला ने इसको तीन मरतबा बुलाया, इशारे देखिए मौला ने। पहली दफा जब बैअत करने आया, इमाम ने कहा कि देख मेरी बैअत पर बाकी रही हो, कायम रहना है तुझे। फिर गया, फिर दोबारा बुलाया, फिर यही जुमला इमाम ने इरशाद फरमाया। तीसरी मरतबा भी मेरे मौला अली इब्न अबी तालिब ने इब्ने मुल्जिम को खिताब किया, देख बैअत तो कर रहा है लेकिन बैअत पर पाबंद भी रहना है। गोया इमाम इसको इशारे कर रहे हैं, इमाम इल्म गैब से जानते हैं कि मेरा कातिल होगा। इमाम ने सजा क्यों ना दी? ये सवाल भी फिर जहन में आते हैं। जब इब्ने मुल्जिम के बारे में इमाम को मालूम था ये मुझे कत्ल करेगा, मेरे ऊपर तलवार उठाएगा, शिम्र के बारे में मालूम नहीं था, उमर साद के बारे में मालूम नहीं था। ज़ुहैर दानी गिरानी, तमाम सवालों का जवाब जो मोमिनीन के अज़हान में मौजूद है, भाई जब मालूम था इमाम को, इमाम ने सिर्फ कत्ल क्यों ना कर दिया? तो जवाब इसका सादा सा है। मुझे आप ये बताइए, अगर आपको ये मालूम हो कि आपके घर में आपके घर जो काम करने वाली आती है वो कल चोरी करेगी, उसे आज चोरी नहीं की है, आपको पता चल जाए, मुझे इंसाफ से बताइए कि आप ये हक रखते हैं कि उसको आप सजा दे दें चोरी करने से पहले? आपको हक नहीं है, चोरी करने से पहले आप सजा नहीं दे सकते हैं। जब तक वो अमल अंजाम ना दे दे तो इमाम मासूम को मालूम होना और चीज़ है, लेकिन एक कानून और उसूल भी हुआ करता है। शरीयत कहती है चोर को चोरी करने के बाद सजा दो, उसके हाथ काटो। अभी जब चोर ने चोरी नहीं किया तो उसको सजा किस बात की मिलेगी? तो इसी वजह से इसने मुल्जिम के बारे में इमाम को मालूम था आइंदा ये क्या करने वाला है, अभी इसने काम अंजाम नहीं दिया था। शिम्र के बारे में मालूम था। तमाम लोग जो इमाम के मुकाबले में आए बाद में, इमाम जानते थे लेकिन इमाम ने सजा नहीं दी, क्योंकि पहले अमल से आप सजा नहीं दे सकते हैं। तो अज़ान गिरामी, मारफत हम ऐसी चाहिए नहीं, ऐसी मारफत नहीं चाहिए हमें। ये तो मारफत दुश्मनों के पास हमसे ज्यादा थी, हम तो मौजूद नहीं थे इमाम के दौर में। इमाम के दौर में जो लोग मौजूद थे उनको पता था अली इब्न अबी तालिब की शान क्या है, इनका मकाम क्या है। हमें तो वो मारफत भी नहीं, हमने तो किताबों में पढ़ा है, सुना है। वो लोग देखते थे, इमाम के साथ बैठा करते थे। लेकिन सबसे अहम चीज़ जो है, सबसे अहम और मुहिम चीज़ है इमाम को दिल से तस्लीम करना, दिल से मदद करना, ये सबसे बड़ी चीज़ है। आपने दिल पर कितना इमाम को उतारा हुआ है? सिर्फ साथ रहना काफ़ी नहीं है, साथ तो रसूल खुदा के कितने असहाब साथ रहे, कितने असहाब साथ रहे, लेकिन उनमें से मिन्ना अहले बैत की मंजिल पर कितने पहुंचे?
सिर सलमान, मिकदार, अबू ज़र, कंबर, अम्मार यासिर, गिने चुने नाम हैं। वरना कितनी बड़ी लिस्ट हमारे पास मौजूद है कि अस्हाब नबी हैं, अस्हाब नबी के साथ, अस्हाब नबी नबी के साथ बैठा करते थे, उठना बैठना सारा हम मोहम्मद रसूल खुदा के साथ। और कुछ अस्हाब तो ऐसे मिलते हैं, मैंने क्या अर्ज किया कि दिल से ईमान को तस्लीम करना होगा। रसूल खुदा को जिसने दिल से तस्लीम किया उसका मकाम ये बना। वैसे तरणी अभी दूर है, यमन में मौजूद है, लेकिन रसूल खुदा कह रहे हैं मुझे यमन से खुशबू महसूस हो रही है वैसे तरणी की। सोहबत काफी नहीं है, हमें पहचानना होगा ये जो कमालात हमें मालूम हैं। इमाम का सीना खुदा के इरादे की जगह हमें पता है, इमाम का इल्म खुदा की जानिब से हमें मालूम है। इमाम जो कमालात लेकर आया है, इल्म हो, शुजाअत हो, सखावत हो, हिल्म हो, ज़ोहद हो, तक्वा हो, कोई भी चीज़ हो, ये सब कमालात हैं। ये खुदा ने इमाम को देकर भेजा है। सिर्फ कमालात का जानना काफ़ी नहीं है, दिल से तस्लीम भी करना होगा। ये कमालात हकीकी हैं तब जाकर बात बनेगी। ये होती है मारिफत, यानी जो इमाम ने कह दिया। आप रिवायत ज़रा देखिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक शख्स आया, इमाम का मकाम देखिएगा। ये रिवायत सुना रहा हूँ लेकिन सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, सिर्फ कमालात की तरफ इशारा कर रहा हूँ। दिल से मानना होगा, इमाम की हकीकत है ये, वाकईत इमाम रखता है। रावी आए इमाम की खिदमत में। अब इमाम बहरहाल देख कर बात किया करते थे हर शख्स से, उसका सीने से काबिल है नहीं है, उसके सीने के एतबार से बात करते थे। इसके सीने में ताकत है हमारे फ़ज़ाइल को बर्दाश्त करने की या नहीं है। इमाम ने अब हदीस जो शायद फरमाइए, ज़रा गौर कीजिएगा। छठे इमाम बयान करते हैं, लौ उज़िन लना अन नुअल्लिम अन्नास हालना इंदहु मंज़िलतना मिन लमा तमल्तुम, कि अगर हमें इजाज़त होती कि हम वो तमाम चीज़ें बयान कर देते कि जो हकीकत है हमारी, जो हमारे हालात हैं, जो हमारे कदर मंजिलत है, जो हमारा मकाम है, लमह तमल तुम में ताकत नहीं है उसको बर्दाश्त करने की। एक कमालात। अब रावी ने जब ये सुना कहा कि मौला फ़काला अल इल्म, रावी ने कहा मौला इल्म की बात कर रहे हैं, यानी आपका इल्म इस काबिल है कि हम ताकत नहीं है हमारे अंदर, हम बर्दाश्त कर सके, आपका इल्म इस मकाम पर है। मेरे मौला ने कहा अल इल्म अयसर मिन ज़ालिक, इल्म तो इससे कमतरीन दर्जे का नाम है, इससे आसान तरीन दर्जा है इल्म का। मौला फिर क्या बात करना चाह रहा है? मौला फरमाते हैं, अजीब जुमला मौला ने इरशाद फरमाया, ये मकाम इमाम है, इस मकाम को सुनना काफी नहीं है, हमें दिल पर उतारना पड़ेगा, अपने कल्ब पर उतार कर इसको समझना होगा कि इमाम का मकाम ये। इमाम ने जुमला इरशाद फरमाया, इमाम ने फरमाया इन्नल इमाम वक्रुन लिइरादतिल्लाहि अज़्ज़वजल, कि इमाम जो है वो वक्र परवरदिगार होता है। वक्र किसे कहते हैं? वक्र का तर्जुमा जाकर आप देखिएगा, लुगत में वक्र कहते हैं उस आशियाने को कि जिस आशियाने में परिंदा आकर पनह लेता है। अरबी में वक्र उसे कहते हैं, वाओ काफ, डंडी वाला काफ बच्चों को समझाने के लिए, और रे। वक्र परवरदिगार इमाम को कहा जाता है। इमाम ने कहा इन्नल इमामा वक्रुन लिइरादतिल्लाहि अज़्ज़ वजल, इमाम का सीना वक्र परवरदिगार है। जिस तरीके से एक परिंदा अपने आशियाने में आकर पनह लेता है और अपने आप को महफूज तसव्वुर करता है,
अब कोई अकरब उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई परिंदा उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अपने आप को परिंदा जिस तरीके से महफूज तसव्वुर करता है, तो इमाम यही बयान करना चाह रहे हैं कि इन्नल इमामा वकुल इरादतिल्लाह अज़्ज़ा वजल, इमाम का सीना भी खुदा के इरादे की जगह हुआ करता है, जहां पर खुदा का इरादा ठहरता है। जब खुदा चाहता है कि अपने इरादे को उतारे तो कलबे इमाम पर नाज़िल करता है। इमाम जिनका मकाम ये हो, ये सुन ली हमने हदीस, नारे भी लगा दिया आपने, जब तक कलबन इसको आप मानेंगे नहीं, क्या मकसद इसका, क्या मकसद, कल्ब से मानना पड़ेगा। इमाम के कमालात को अगर आपने कल्ब से तस्लीम कर लिया, इसका मकसद क्या हुआ, आपने बैअत को मजबूत कर लिया। यानी मौला आप जो कहेंगे हम करेंगे, यही तो मारफत है। जब आपने मान लिया, मौला दिल से मान रहे हैं, आपके कमालात को मानते हैं, आप हक के औलवियत रखते हैं, आपका हक हमारी जानों पर हमारी माओं से ज़्यादा है, हमारे बाप से ज़्यादा है। भाई ये विलायत तकवीनिया किसे कहते हैं, मैंने पिछली दफ़ा किया था, विलायत तकवीनिया यही होती है। इमाम को खुदा ने हक अता किया है कि आपके जिस्मों पर तसर्रुफ करने की ताकत रखता है इमाम, कंट्रोल है इमाम के हाथ में, उसको इमाम कहते हैं। जो इमाम कहेंगे उसको मानना है, ये हकीकी मारफत है। और ये हकीकी मारफत, सलमान के लिए जुमला मिलता है, सलमान के लिए जुमला जो मैं कह रहा हूं ये कोई मुबालगा नहीं है, मौलाए मुत्तकियान के मुकाबले में उनके सामने ऐसे अदब से रहा करते थे कि गोया पलक भी झपकते थे अली की इजाजत के जरिए से। ये सलमान का मकाम है, इसको कहते हैं विलायत को कबूल करना, हक के औलवियत इमाम की मानना कि मौला आप मेरी जान पर मुझसे ज्यादा हक के तसर्रुफ रखते हैं। ये खुद एक विलायत है, इससे बड़ी विलायत तस्लीम करने का मेरे पास जुमला नहीं है कि मैं बयान कर सकूं। मौला की आबरू के इशारे पर जो चलता हो उसे सलमान कहते हैं। मौला ने अपनी आबरू को जुम्बिश दी, वह सलमान समझ कर मेरा मौला क्या चाह रहा है, यह होती है मारिफत। अब जरा मिसाल भी सुनते चले जाइए, जब मौला के गले में रस्सी डालकर ले जाया जा रहा था, वो फातेह खैबर अली, वो फातेह खंदक अली, अली के कारनामे जंगों में दुश्मनों ने देखे थे और तारीफ करते थे, मानते थे अली ये मकाम रखते हैं। जब गले में रस्सी डाली, सलमान का मकाम देखिएगा, मैंने एक जुमला अर्ज किया, अपने मौला की आबरू की जुम्बिश पर चलने वाले सलमान मकाम क्या है, गले में रस्सी है मौला अली इब्न अबी तालिब के, ले जाया जा रहा, मकदाद भी खड़े, मकदाद खड़े हैं, सलमान भी खड़े हैं, मौला के गले में रस्सी है, विलायत इसको कहते हैं। ये होती है विलायत, दिल से तस्लीम करना मौला को, इताअत सरे तस्लीम खम, इताअत मुतलक, इताअत महद, ये होती है। सलमान ने हमें समझाया, गले में रस्सी, मकदाद ने अपनी तलवार के दस्ते पर हाथ डाला, निकालना चाहते हैं, गुस्सा आ रहा है मकदाद को, अगर आप में से भी कोई होता, अगर मैं भी होता, मुझे भी गुस्सा आता मेरे मौला के गले में रस्सी। यहां पर अगर आपका कोई चाहने वाला हो, खुदा ना करदा, खुदा ना खास्ता, अगर कोई आपका बहुत महबूब आपके सामने उसके गले में रस्सी डाली जा रही हो, आप क्या करेंगे, खामोश खड़े रहेंगे आप, यकीनन आपको गुस्सा आएगा, एक तेज़ आपके अंदर उभरेगा। जनाब मकदार गलत नहीं कर रहे थे, लेकिन सिर्फ आप फर्क देखिएगा दोनों के अंदर। जनाब मकदार ने तलवार के दस्ते पर हाथ डाला, निकालना चाहते हैं, मेरे मौला ने इशारा किया अंदर रखो तलवार। सलमान ने तलवार के दस्ते पर हाथ नहीं डाला, क्यों, जब सलमान से सवाल किया गया ना कि सलमान क्या वजह थी, मकदाद ने तो अपने
तलवार के दस्ते पर हाथ डाल दिया था, निकालना चाहते थे मौला का बदला लें, तुमने नहीं डाला। एक अजीब जुमला सलमान का मिलता है, जनाब सलमान कहते हैं कि मैंने जब देखा मेरे मौला के गले में रस्सी है, तो जब मेरा मौला कुछ नहीं कह रहा, खामोश है, तो इससे बड़ी मसलहत क्या होगी। तो मैं भी अपने मौला के इताअत में खामोश खड़ा हुआ था, तभी तलवार को हाथ नहीं लगाया। गौर कीजिए आप, इसको कहते हैं विलायत, दिल से विलायत को तस्लीम करना। जाने गिरामी, यही मार्फत चाहिए। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मार्फत हमें ऐसे ही चाहिए कि आजकल के दौर में जो वली खुदा है, जो इमाम हय और जिंदा है, वो इमाम ज़माना की ज़ात है, और हर जगह इमाम को हाजिर और नाजिर जानिए। इमाम गायब हैं, हाजिर हैं। एक बहुत ही अजीब जुमला, एक बहुत बड़े आलिम का वाकई बहुत अजीब जुमला है, वो कहते हैं जो कहा जाता है इमाम गायब हैं, गरचे इमाम गायब हैं, लेकिन वो इमाम कि जिस इमाम की याद उसके चाहने वाले के दिल में मौजूद हो, वो गायब कब होता है? भाई दिल में उसकी याद मौजूद है, बस आप जब कभी भी इमाम को याद करेंगे, इमाम को गायब तसव्वुर मत कीजिएगा, इमाम हाजिर हैं आपके दिल में, इमाम रहते हैं। इमाम से बातें करना सीखें, इमाम से बातें कीजिए, वक्त निकालिए इमाम के लिए, इमाम आपकी सुनेंगे और आपके काम भी आएंगे। हो नहीं सकता आजकल के दौर में जो मुंतजर होता है, जो इंतजार करने वाला होता है, किस तरीके का इंतजार होना चाहिए, कोशिश क्या होनी चाहिए, ये हमें उलमा ने समझाया। शेख रजब अली खयात बहुत बड़े आरिफ खयात यानी दर्दी थे, बड़ा नाम है आगा बहजत रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका बड़ा तज़किरा किया करते थे। आगा बहजत की फरमाइशात में, उनके बयानात में मिलता है, इनका नाम आता है शेख रजब अली खयात। एक आम दर्जी खुदा की दाद में इतना डूब गए थे, फना फिल्ला हो गए थे, आरिफ बने। अब जरा देखिएगा किस तरीके से इमाम को याद किया करते थे। कल से तस्लीम किया हुआ था इमाम को, इमाम को हाजिर नाजिर जानते थे, इमाम मुझे देख रहे हैं, मेरा अमल क्या होना चाहिए। कहते हैं कि इनके शागिर्द जो इनके साथ रहा करते थे, वो हमेशा वो बयान करते हैं, कहते हैं कि शेख रजब अली सयाद का ये दस्तूर था रोज़ाना का, कि जब कभी भी उठते थे, बैठते थे, दर्स में आते थे या कोई बात करते थे, सलवार जब भी पढ़ते थे, वो अज्जिल फरजहुम का इजाफा ज़रूर करते थे। जब हमने सवाल किया कि आगा ये आप क्या करते हैं, कहा कि तुम्हें नहीं मालूम, वक्त का इमाम जिंदा है, मैं इमाम के फ़र्ज की दुआ करता हूँ। और हमें कहा करते थे हमेशा उठते बैठते इमाम के जहूर की दुआ किया करो, हमेशा इमाम के जहूर की दुआ किया करो, गरचे तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र इतनी काफ़ी नहीं है, तुम चले जाओगे 50, 60, 70, 80 साल, लेकिन अपना वजीफा अंजाम दो, तुम्हें क्या करना है। एक मुंतजिर की कैफियत क्या होनी चाहिए। उसके बाद यही शागिर्द बयान करते हैं, एक बहुत अच्छी तरीके से जनाब दाऊद का किस्सा बयान करते थे शेख रजब अली खयात। क्या करते थे कि एक मरतबा जनाब दाऊद नबी अलैहिस्सलाम एक मरतबा सहरा से गुजर रहे थे, गुजरते हुए क्या देखा, चींटी। जहन में रहे कि कोशिश करनी चाहिए, अपने हिसाब से अपने वजीफे पर अमल करना चाहिए कि मेरा वजीफा क्या बनता है। गुजर रहे सहरा से, देखा चींटी है, वो एक पहाड़ के टुकड़े पर से मिट्टी को उठाती है और दूसरी जानिब लाकर डाल देती है, मुसलसल ही अमल अंजाम दे रही है। अब जनाब दाऊद, जनाब सुलेमान, आपको मालूम है परिंदों की हवानों की जबान जाना करते थे, जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम उस चींटी के नज़दीक गए, कहा कि तुम इतनी सी हो और इतना बड़ा काम, इसमें तो तुम्हारी उम्र पूरी ज़ाया हो जाएगी, तलफ हो जाएगी, पूरी उम्र तुम्हारी लग जाएगी काम करते करते, ये क्या कर रही हो। अज़ीज़ान गिरामी तवज्जो कीजिएगा, दर्स इसके अंदर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा दर्स इसके अंदर मुंतज़रीन इमाम ज़माने के लिए, कि जो इमाम ज़माने के ज़ुहूर का इंतजार कर रहे हैं, ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके लिए बड़ा दर्स इसके अंदर। कहते हैं नज़दीक गया, पूछा ये तुम क्यों कर रही हो, ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इसमें तुम्हारी उम्र ज़ाया हो जाएगी, तुम मर जाओगी, तुम्हारी उम्र ना काफ़ी है, बहुत छोटी सी हो तुम। कहने लगी या नबी अल्लाह, मुझे मालूम है मेरी उम्र बहुत कम है और मैं खुद भी बड़ी छोटी हूँ,
ये जो काम मैं कर रही हूँ, मेरा एक माशूक है जिससे मैं मोहब्बत करती हूँ, उसने ये शर्त रखी है तुम्हारी मुलाकात मुझसे उस वक्त मुमकिन है कि जब तुम ये काम करो, यहाँ से मिट्टी उठाओ यहाँ पर लाकर डाल दो। इस वजह से मैं ये काम अंजाम दे रही हूँ। अजीजा ने गिरामी, अब चींटी ने क्या कहा? चींटी कहती है जनाब दाऊद ने कहा कि भाई तुम जब मर जाओगी तो मुलाकात कैसी होगी? कहने लगी मुझे मालूम है मैं मर जाऊंगी, लेकिन कम से कम मेरे दिल में एक कसक तो बाकी नहीं रहेगी कि मैं अपने माशूक से मिली तो नहीं, ये कसक तो नहीं रहेगी कि मैंने उसके लिए कुछ कोशिश भी नहीं की, कुछ अमल भी अंजाम नहीं दिया। तो ये कोशिश कर रही हूँ, ये कोशिश शायद मेरा माशूक कबूल कर ले, पसंद हो जाए उसको, इस वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ। तो जैसे ही जनाब दाऊद ने सुना, मुस्कुराने लगे, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर आई। उसके बाद से उन्होंने खुद नबीउल्लाह ने चींटी से दर्द लिया। कहते हैं वाकई इस चींटी ने हमें समझा दिया कि अपने माशूक के लिए कितना इंसान को आगे होना चाहिए। जिससे इंसान मोहब्बत करता है उसके लिए कोशिश करनी चाहिए। तो अज़ीज़ाने गिरामी, आजकल के दौर में सबसे बड़ा महबूब कौन है? खुदा के बाद इमाम ज़माना की ज़ात। तो महबूब जो चाहता है उसको करना होगा, तब जाकर महबूब राज़ी होगा आपसे। बगैर महबूब के रज़ाइयत के अमल आपके बेकार हो नहीं सकता। महबूब आपसे नाराजी हो, आप अमल अंजाम देते जाए। इमाम ज़माना क्या चाहते हैं आपसे, मुझसे क्या चाहते हैं? इमाम ज़माना अहद की पाबंदी, रोज़ाना इमाम को याद कीजिए। सबसे बड़ा अहद इमाम को याद करना, इमाम ज़माना की याद है। याद कैसी होनी चाहिए, ये एक सवाल जहनों में आता है। तो इमाम आपसे नहीं चाहते कि आप इमाम को बड़ा लंबा चौड़ा जिक्र करके याद करें। हत्ता के उरफा, ये जुमला मैं अक्सर बयान करता हूँ, आगा बहजत ये जुमला बयान फरमाते थे कि तुम कम से कम ये तो कर सकते हो अपने वक्त के इमाम के लिए, जब बिस्तर पर जाओ अस्सलाम अलैक या साहिब अल-असर वज़्ज़मान, जब बिस्तर से उठो, जब सुबह करो अस्सलाम अलैक या साहिब अल-असर वज़्ज़मान, एक सलवात की तस्बीह पढ़कर तो इमाम को हदिया कर सकते हो, ये तो कर सकते हो कम से कम, ये तो करना चाहिए। ज़ियारत आले यासीन तो पढ़ सकते हो, 5 मिनट का वक्त दरकार है ज़ियारत आले यासीन के लिए। सबसे बड़ी हाजात की बराबरी के लिए जो अमल बयान किया गया है खुद इमाम ज़माने की जानिब से, जब तुम मुश्किलात में घिर जाओ तो इस ज़ियारत के ज़रिए से हमें तवस्सुल के तौर पर खुदा की बारगाह में पेश करना, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी। तो मारफत ये है, सिर्फ फ़ज़ाइल सुन लेना, कमालात को सुन लेना, ये मारफत नहीं है। दिल से अगर आपने कबूल किया है तो फिर इमाम के लिए वक्त भी आप देंगे। तो ये हमें अहद करना चाहिए हर एक शख्स को, नमाज में अव्वल वक्त पढ़ूंगा, ये अहद इमाम ज़माना के साथ, नमाज अव्वल वक्त पढ़नी है। इसमें क्या लगता है, कितना टाइम लगता है? आज से आज अहद कीजिए आप कि आज से मैं शुरू करूंगा कि नमाज अव्वल वक्त में पढ़ूँ। जैसे ही अज़ान होगी, कोई भी काम होगा, नमाज मुझे अव्वल वक्त में पढ़नी है। इसके असरात आप देखिएगा। इतना बड़ा जुमला आगा बहजत से भी मिलता है, अली कादी तबतबाई से भी मिलता है, अल्लामा तबतबाई से भी जुमला मिलता है, नकल किया है। इसके जो असल कहने वाले हैं वो अली कादी तबतबाई के, जो आगा बहजत के उस्ताद। एक शख्स आया उनके पास, कहने लगा बड़ा परेशान हूँ मैं, नमाज पढ़ा करता था आगा अली कादी तबतबाई के पीछे, उनकी इमामत में नमाज अदा करता था, हमेशा आया करता था। एक दिन आया, कहने लगा आगा बड़ा परेशान हूँ, मेरे रिस्क में बरकत नहीं होती है, क्या करूँ? कोई लंबा चौड़ा जिक्र बयान किया होगा? नहीं, बहुत बड़े आरिफ अली कादी तबतबाई, आगा बहजत के उस्ताद, इरफानियत में बहुत आगे थे। वो बता दिया करते थे तुम्हारी जेब में क्या रखा हुआ है, तुम क्या सोच रहे हो, ये मकाम था उनका। वो अली कादी तबतबाई वो कुछ और भी बता सकते थे, ये कर लो वो कर लो, बड़ा सा जिक्र बयान कर देते। उन्होंने क्या बयान किया? उन्होंने कहा कि आज से अहद करो, जब भी अजान होगी अपने तमाम काम छोड़ोगे, नमाज को अव्वल वक्त में अंजाम दोगे, उसके बाद अपने रिस्क में बरकत देखना कितनी खुदा बरकत अता फरमाएगा। कुछ अर्सा गुजरा, 8-9-10 साल, काफ़ी अर्सा हो गया, अब ये शख्स नमाज में नहीं आ रहा है।
चला गया। काफ़ी अरसे बाद आया, आगा से मुलाकात हुई। आगा ने पूछा, कहाँ थे भाई तुम इतने अरसे से? कहने लगा, आगा आपने अमल ही ऐसा बताया था, टाइम ही नहीं मिलता। कहा, क्या हो गया? कहा कि जब से आपने मुझे ये वजीफा दिया, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ो, 10 साल हो गए, आज तक मेरी नमाज अव्वल वक्त से हटती नहीं है। जब से अजान होती है, जैसे ही खुदा की अजान होती है, मैं नमाज पढ़ने चला जाता हूँ, कोई भी काम हो। उसके बाद से आज तक मेरा बिजनेस इतना बढ़ गया है कि मुझे वक्त नहीं मिलता उसको संभालने का, इस वजह से वक्त नहीं मिलता आपके पीछे नमाज पढ़ने आऊं। नमाज अव्वल वक्त का करिश्मा यह है। तो अहद करके उठी आज, और खुसूसन मैं हिट नहीं कर रहा किसी को भी, अस्तग़फिरुल्लाह, और ना ही कोई मेरा मद्दे नज़र है, जनरली बात कर रहा हूँ। दाढ़ी जिसकी नहीं है वो भी अहद करे। ख़वातीन पर्दा नहीं करती, जाकर अपनी माओ बहनों को, ख़वातीन को बताइए पर्दा कीजिए, अहद कीजिए, सबसे बड़ा अहद है। इमाम आपके पास चल के आएंगे, आप वजीफों पर अमल तो करके देखिए। आप मुलाकात 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 हर मोमिन की ख्वाहिश है, मौला से मुलाकात नहीं हो सकती, ताले वाले की मुलाकात हो रही है, लोटा भर रहा है मदरसे में एक शख्स, उससे मुलाकात कर रहे हैं मौला, मोची के पास आ रहे हैं, खरबूजा बेचने वाले के पास आ रहे हैं मौला, मेरे और आपके पास नहीं आ रहे। क्यों? अपने वजीफे पर अमल नहीं हो रहा, जो अमल होना चाहिए वजीफे के ऊपर उस पर अमल नहीं कर रहे हैं। जब तक अपने वजीफे को आप नहीं पहचानेंगे, यही हकीकी मार्फत है, दोबारा कह रहा हूं, हकीकी मार्फत यही है, अपने वजीफे पर अमल कीजिए, इमाम को दिन में याद कीजिए। 5 मिनट, आगा मेलानी का जुमला है, आगा मेलानी मरहूम आयतुल्लाह मेलानी कहते हैं, अपने 24 घंटों में से 15 मिनट इमाम के लिए निकालो, फिर लुत्फ करम होगा इमाम का तुम्हारे ऊपर, इसके बगैर लुत्फ करम नहीं हो सकता। ये वो इमाम है, ज़ियारत जामिया कह रही है, आदत कुमुल एहसान व सजियत कुमुल करम। मौला आपकी आदत एहसान करना है, जिनकी आदत ही एहसान करना हो, जब आप उनको कोई हदिया पेश करेंगे, सलवात का हदिया पेश करेंगे, कोई आपका अमल इमाम ज़माना की बारगाह में जाएगा, जब इमाम का दिल खुश होगा, कैसे मुमकिन है इमाम उसका जवाब ना दे आपको? इमाम के काम आइए, इमाम आपके काम आएंगे। मुश्किल वक्त में आप जरा तोहफा तो भेजिए। खुद इमाम क्या कहते हैं, हदीस मिलती है, रिवायत है, कि जो आपको कोई तोहफा दे उससे अच्छे तरीके से उसको पलटाओ। जो इमाम खुद ये कह रहे हो, अगर आप इमाम के लिए कुछ तोहफा भेजेंगे तो इमाम वैसा नहीं पलटाएंगे, उससे अच्छा पलटाएंगे। ये इमाम की शान है, इमाम के काम आना है। उसके बाद करिश्मे आप देखिए, शेख हसन अली नुखुदकी, बड़ा नाम है, बहुत बड़े आरिफ, आज तमाम आरिफों का जिक्र आ रहा है, तो शेख हसन अली नुखुदकी बहुत बड़े आरिफ का नाम। इनके ज़माने में शख्स बीमार हुआ, उसको बीमारी ऐसी थी कि डॉक्टर ने कहा था कि जब तक इसको पसीने नहीं आएंगे ठीक नहीं होगा, बहुत ख़तरनाक बीमारी, मरने वाला था। अब लोग दौड़े दौड़े गए हसन अली नुखुदकी के पास, कहा कि आगा चलिए, शख्स बीमार है। ध्यान में रखिएगा कि मरने वाला है, हालत इख्तियार है। आगा को लाया गया, आगा जैसे ही अंदर आए परेशान खड़े तमाम लोग, और ये कहते जा रहे हैं, आगा डॉक्टर ने कहा है कि इसको जब तक पसीने नहीं आएंगे ठीक नहीं होगा, पसीने आना लाजमी है। कहा कि अच्छा। वो बड़े इत्मीनान के साथ खड़े हैं आगा हसन अली नुखुदकी, कहने लगे कि जाओ मेरे लिए चाय बना कर लाओ, कहवा, ईरानी कहवा जो होता है। कहा कि एक चाय मेरे लिए बनाओ। एक शख्स चाय बनाने गया, चाय बनाकर जब आया तो बंदा ठीक हो चुका था। वो शख्स जो मरने वाला था, कहा कि चाय बनाकर लाओ, जैसे ही वापस पलट कर आया, क्या देखा, वो ठीक हो चुका है, पसीने उसको आ रहे हैं, पसीने बह रहे हैं, ठीक हो गया, बेहतरीन। अब जब आगा जानने लगे, अब जुमला सुनिएगा, इमाम के आप काम आएंगे, इमाम आपके काम आएंगे, इमाम के लिए आप काम तो करके देखिए, जवाब देंगे इमाम, आंसर देंगे आपको। अब शेख हसन अली नुखुदकी बाहर निकलने लगे जाने के लिए, तमाम लोग आगे आ गए। अगर बड़े इत्मीनान के साथ आपने कहा था कि ठीक हो जाएगा, वजह क्या थी?
अब यहां पर बड़ा अजीब और गरीब जुमला हसन अली नुकुदकी ने बयान फरमाया, ईमान के नज़दीक जो इंसान होता है उसको इत्मीनान ऐसा ही होता है जो ईमान के लिए कुछ करता है। एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा कि ये जो लिबास रूहानियत पहना हुआ हूँ, ये सर पे जो अमामा है, पूरी ज़िंदगी जब से ये लिबास पहना है इमाम ज़माना के हक में खयानत नहीं की है मैंने, तो कैसे मुमकिन है मैं इमाम के काम आता रहूँ और इमाम मेरे काम ना आए। इमाम से तवस्सुल किया उसको शिफा मिल गई, इसमें ताज्जुब की बात क्या है। तज़्ज़ाने गिरामी, कोशिशें कीजिए कि इमाम के काम आएंगे। और ये अमल करदा चीज़ें हैं, ये जो हम तक पहुंचती हैं, उरफा बयान करते हैं पहले इन्होंने अमल किया होता है तो आप तक पहुंचाते हैं। दुरूद मैंने पहले भी बयान किया, दुरूद से बेहतरीन हदिया इमाम ज़माना के लिए नहीं हो सकता, बेहतरीन हदिया है। मुश्किल आई, बैठे तन्हाई में एक तस्बीह पढ़े आप दुरूद की अच्छे तरीके से, घुमानी नहीं है पढ़नी है, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद व आल मुहम्मद इस तरीके से पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ल अला मुहम्मद, ऐसा भागते हुए उसका असर कहाँ बाकी रहेगा। आराम से आपको पढ़ना है, कोने में जाकर बैठिए तन्हाई के अंदर, इम्तिहान करके देखिए, उसके बाद असरात देखिएगा, जो असर इसका मिलेगा। मैंने अर्ज किया कि जब आप किसी को तोहफा देते हैं उसका दिल खुश होता है, दुनिया में आप तोहफा देके देखिए, अगर मैं आपको तोहफा दूंगा आपका दिल खुश होगा, इसलिए रिवायत में मिलता है कि तोहफे तहे दिया करो मोहब्बत बढ़ती हैं, अगर वो तुम्हारा दुश्मन भी होगा तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। तो भाई जब दुनिया का ये मामूल है कि आप किसी दुश्मन को भी तोहफा देंगे उसके अंदर एक नर्म गोशा पैदा हो जाएगा, एक सॉफ्ट कॉर्नर आ जाएगा, वो आपसे मोहब्बत करने लग जाएगा, और वो ईमान भी जो आपसे पहले ही से मोहब्बत करता है आपकी माओ से ज्यादा, जब आप उसको तोहफा देंगे सलवात का तो कैसे मुमकिन है आपको जवाब ना दे उसको। तज़्ज़ाने गिरामी, मारफत ये होती है, दिल से तस्लीम किया है और दिल से तस्लीम करना चाहिए इमाम को। इमाम के जो कमालात हकीकी, शुजात हकीकी, इमाम को हाजिर नाजिर जानिए, बिल्कुल हाजिर नाजिर। अगर ये कॉन्सेप्ट आ गया गुनाह नहीं करेंगे तनाई में कभी भी, खलवतें आपकी अच्छी बन जाएंगी। जब तक ये कॉन्सेप्ट अपने जहन में नहीं लाएंगे गुनाह होते चले जाएंगे, गुनाह होते चले जाएंगे, गफलत आएगी, गफलत आएगी, इमाम से दूरी आएगी, इमाम से दूर हो जाएंगे आप। हदफ क्या है हमारा? इमाम से नज़दीक होना, और इमाम से नज़दीक आप उस्ताद हो सकते हैं इमाम को हाजिर नाजिर जाए उस बच्चे की तरह। एक तो मिसाल है, बच्चा जो स्कूल में था उस्ताद ने कहा कि भाई कल तमाम बच्चे, ये बच्चे भी गौर से सुने, तमाम बच्चे कल मुर्गी काट कर लाएंगे और ऐसी जगह काटना जहाँ तुम्हें कोई देख ना रहा हो, कोई आंखें तुम्हें ना देख रही हो। एक बच्चा बहरहाल चले गए, तमाम लोग मुर्गी काट के लाए बच्चे, एक बच्चा अकेला बैठा हुआ था, वो मुर्गी काट के नहीं लाए। उस्ताद ने कहा भाई तुमने मुर्गी क्यों नहीं काटी? कहने लगा आपने शर्त लगाई थी कोई आंख ना देख रही हो, मैं जहां भी जाता था मेरा खुदा मुझे देख रहा था तो मैं कैसे काटता। ये सबसे बड़ा दर्द है, याद रखिए, जहां पर भी रहिए अगर ये कॉन्सेप्ट दिल में आ गया, अगर ये नजरिया आ गया वक्त का, इमाम जिंदा है, इमाम हय ज़ियारत में आया है, इमाम जिंदा है, अगर ये तसव्वुर आ गया तो कोई मोमिन गुनाह नहीं करेगा। हर शबे जुमा जो अमाल जाएंगे इमाम मसरूर होंगे, खुश होंगे। रिवायत मिलती है जब इमाम के पास आपके अमाल जाते, मेरे अमाल जाते हैं, अगर उसमें कुछ लग्जिश होती है, गीबतें होती हैं, झूठ होता है, फरेब होता है, किसी की गीबत करना, माँ बाप को तकलीफ देना होता है, जब ये फाइल इमाम ज़माना के पास पहुँचती है, रिवायत बयान कर रहा हूँ, इमाम रंजूदा होते हैं, इमाम रंजीदा होते हैं, अफसोस करते हैं इमाम। उसके बाद भी इमाम की मेहरबानी यह है कि इमाम अगर कुछ गुनाह देखते हैं तो इमाम अपने हाथों को बुलंद करते, परवरदिगार इस मोमिन को हिदायत फरमा, इसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, आपके लिए दुआ करता वक्त का इमाम। तो अज़ान गिरामी कोशिश कीजिए कि वक्त के इमाम को वक्त दीजिए, इंशाल्लाह उसके असरात आप देखेंगे। ज़ियारत आले यासीन आप आदत बना लीजिए, रोज़ाना ज़ियारत आले यासीन ज़रूर पढ़नी है, कोई एक वक्त दिन में कोई ख़ास वक्त बनाइए, उसका असर फिर ज़्यादा होगा। और ये मैं नहीं बयान कर रहा, मैं इस काबिल नहीं हूँ, और रफा जो बयान करते हैं उलमा, बुज़ुर्ग उलमा, उनकी बातें कोट कर रहा हूँ,
इस पर अमल कीजिए इंशाअल्लाह, वक्त इमाम खुश होगा, आप पर लुत्फ़ करम इमाम का ज़्यादा होगा। अज़ादार रहमत है आपकी तमाम। शाम में बड़ी मुसीबतें आले मोहम्मद पर ढाई गई, हत्ता के करबला में भी ऐसी मुसीबत नहीं ढाई गई। ये मैं बयान नहीं कर रहा, इमाम सज्जाद ने करबला का नाम नहीं लिया, इमाम सज्जाद ने कूफा का नाम नहीं लिया। दादारों, इमाम से जब सवाल किया गया, मौला सबसे ज़्यादा मुसीबतें आप पर कहाँ पर ढाई गई, सबसे ज़्यादा दुल कहाँ पर तोड़े गए, मेरे मौला ने हर दफ़ा यही जवाब दिया, अश्शाम अश्शाम अश्शाम, शाम में सबसे ज़्यादा मुसीबतें ढाई गए। दादारों, वक्त का इमाम देख रहा है, क्या देखा मौला ने, मेरा मौला सज्जाद देख रहा है। वो ज़ैनब कुबरा के जब कभी भी अपने नाना के रोज़े की ज़ियारत करने जाती थी, दाएं बाएं हसलैन हुआ करते थे, मौला अली आगे आगे चल रहे होते थे, जब चिराग हाथ में होता था, जब कब्र रसूल पर पहुंचने वाले होते थे, अदादारों चिराग को खामोश कर दिया करते थे, कहीं ना महरमों की निगाह ज़ैनब पर ना पड़ जाए, तमाम दुकानों को बंद करवा दिया करते थे। अदादारों, ये वो ज़ैनब है जब मदीने से चल रही है। अदादारों, अब्बास भी साथ है, अली अकबर भी साथ है, क्या शान से बीवी को सवार किया गया था, कभी अब्बास आगे बढ़ते थे, कभी अली अकबर आगे बढ़ते थे ज़ैनब को सवार करने के लिए। अदादारों, इस मंजर को मीर अनीस ने बड़े अजीब अंदाज से पेश किया है। मीर अनीस बयान करते हैं, जरा शान ज़ैनब की देखिएगा, जब मदीने से जा रही है, जब मदीने से चल रही है, तो शान ये है कि अब्बास आगे बढ़ रहे हैं। मीर अनीस फरमाते हैं, नाके के करीब पहुंची जुही दुख्तरे हैदर, खुद हाथ पकड़ने को बढ़े सिपते पैगंबर, फिजा थी संभाले हुए गोशे चादर, पर्दे महबिल को उठाए अली अकबर, फरजंद कमर बस्ता चपोदार खड़े थे, नालायन उठाने को अब्बास खड़े थे। जब ज़ैनब चल रही है दादारों, अब्बास आगे बढ़ रहे हैं, अली अकबर आगे बढ़ रहे हैं, पर्दा उठा रहे हैं, लेकिन दादारों यही ज़ैनब है। शाम का बाजार, तमाशाइयों का मजमा, तमाम लोग आए ज़ैनब को देखने के लिए, क्या गुजरती होगी ज़ैनब पर। अज़रुकमल अल्लाह। अदादारों, ये कारवां जब शाम में पहुंचा है, अदादारों सात दरवाजों से इस कारवां को गुजारा गया है, बाजार को सजाया गया। ये बाजार क्यों सज रहा है? अदादारों मक्तल कहता है, ये बाजार इसलिए सजाया जा रहा था कि असीरों का कारवां जो आ रहा है, ये जो बीबियां बेमकनाव चादर है, इनका तमाशा किया जा सके, इनको बेमकनाव चादर देखा जा सके, तमाम लोग जमा है बीबियों को देखने के लिए। अज़रुकुमल अल्लाह। अदादारों, जब सातों दरवाजों से गुजार दिया गया, एक बाबू साथ आता है, शाम में मशहूर दरवाजा है, मोमिनीन गए होंगे अदादारों, वहां कई घंटे बीवियों को खड़ा रखा गया। ये क्यों खड़ा रखा गया? अदादारों, दरबार यजीद को सजाया जा रहा है, अब उसको मुरतब किया जा रहा है। अज़रुकुमल अल्लाह। अदादारों, अब यह हुक्म आया कि कारवान को दरबार में दाखिल किया जाए। मुझे नहीं मालूम ज़ैनब कुबरा के दिल पर क्या गुजरती होगी। अदादारों, दरबार का जब जुमला आया है, एक बात सुनते चले जाइए। अदादारों, एक मरतबा एक दाकिर मसाइल पढ़ रहे थे, वो मसाइल ये पढ़ रहे थे कि ज़ैनब कुबरा इब्ने ज़ियाद के दरबार में दाखिल हुई। एक मरतबा उस मजलिस में मिर्ज़ा शिराज़ी बैठे हुए थे, बहुत बड़े आलिम दीन है, अपनी जगह से खड़े हुए, उन्होंने इशारा किया, ऐ खतीब अब यहीं पर रुक जा, यहीं पर रुक जा, आगे मत पढ़ियो। खतीब कहता है, आगा मुझसे कोई गलती हो गई है? वो कहते हैं, नहीं गलती नहीं हुई है, ये जो जुमला तूने अदा किया है, ज़ैनब दरबार में गई, इसका हक अदा हो ले ले ले, ये जुमला रोने के लिए काफी है। अज़रुकुमल अल्लाह। आखिरी जुमला अदा करो। अदादारों, यही ज़ैनब है दरबार यजीद में जाने वाली है।
अब एक मरतबा जब जाने का वक्त आया, मेरी बीबी ज़ैनब ने अपने भतीजे सज्जाद को देखा, देखकर कहती है, बेटा सज्जाद मैं दरबार में नहीं जा सकती, मेरा सर खुला हुआ। बेटा सज्जाद मैं दरबार नहीं जा सकती। सज्जाद ने जब ये सुना कुछ ना कहा, कहा के पुपी अम्मा जरा बाबा के सर को देख लीजिए, ये सुनना था बीबी ज़ैनब ने अपने भाई के सर को नौके नैदा पर जब देखा तो क्या देखा, हुसैन गिरिया कर रहे हैं और ये कहते जाते हैं, अरे ज़ैनब दरबार में चली जा, यही तेरा इम्तिहान है। परवरदिगार तुझे वास्ते मुहम्मद व आले मुहम्मद का परवरदिगार इन आंसुओं को रुमाल सैयदा में जगह इनायत फरमा। परवरदिगार इस खलीस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता जनाब ज़ैनब कुबरा की असीरी का, जनाब ज़ैनब के खुले सर का तुझे वास्ता मौला, जितने अदादार यहाँ पर हाजात लेकर आए परवरदिगार, जो मरीज है, जो परेशान हाल है, जो मकरूद है परवरदिगार, तमाम की परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का परवरदिगार हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा, हमारे वालिदैन की मगफरत फरमा, जिनके वालिदैन हयात है परवरदिगार उन्हें तूल उम्र अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का जितने अदादार जहाँ कहीं भी अदादार ये सैयद शोहदा मुनक़िद कर रहे हैं परवरदिगार, उनकी इज्जत माल जानवर की हिफाजत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का ज़्यादा से ज़्यादा हमें जिक्र आले मुहम्मद को करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता मुहम्मद व आले मुहम्मद का, ये दुनिया ज़ुल्म ज़ोर से भर चुकी है, अपनी आखिरी हुज्जत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके नासिरान खास में शामिल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।